आज मंगली मोर गिरो ए राम लगन सीता सयत हृदय बसो सुरभु इस कलिकाल में ये बतलाते हैं कि जो भी कार्य करो अगर बालाजी सरकार को मना लेते हैं तो पूरे काम सिद्ध हो जाते हैं। कलिकाल के देवता श्री बालाजी सरकार के चरणों में दो लाइन है और उनसे प्रार्थना के हमारे जो भी कार्य में अगर बिघन बाधाएं आए उनका विनाश करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो सुनेंगे आप अरे श्री राम के लिए और आज जितने भी भक्त बैठे हैं बालाजी सरकार सामने हैं और सभी हाजी लगाएंगे अरे जो खेल गो श्री राम के लिए हाँ सम्मानी हमारे दौलत भाईदार भाजपा वालों की ओर से कैमरे में पुरस्कार आया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो खेल गो अरे मेरे राम के लिए जितने भक्त बैठे खड़े चरण करने वो दोनों हाथ ऊंचे करेंगे क्या बात है क्या बात है चंदू भैया भैया हाँ हाँ इस पावन भूमि पे हमारे परे बुजुर्ग बैठे हैं माताएं बहनें बैठी हैं और बाबा के दरबार में आने थोड़ा कष्ट करना चाहेंगे जिन्होंने भगवान ने हाथ दिए दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ ऊपर करते हुए जाके बताया गाय और अरे महात्मा अजनी की
सम्मानीय श्री देवेंद्र धारक जी भंडा वालों की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया और बालाजी सरकार की समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता अजमेर की ऐसी बोले माता अजमेर की ऐसी संतान के लिए। हाँ सम्मानीय हरिचरण चंद धाकर जी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया उनके लिए बहुत धन्यवाद। क्यों माता अजमेर की और जो बालाजी से प्रेम करते हैं और माता अजमेर की संतान से प्रेम करते हैं तो कैसे माता अजमेर की संतान के लिए और दोनों हाथ उठाकर बालाजी सरकार उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करने की ओर और देखिए आप ए लक्ष्मण को बचाने के लिए सारी आशा है लक्ष्मण को बचाने के लिए सारी आशा है भगवान प्रेम से जाकर हमें लाए अरविंद भाई साहब सरपंच साहब डेरी वाले उनकी तरफ से सरस्वत पुरस्कार आया और बालाजी सरकार उनकी मनोकामना पूर्ण करने क्यों देखिए कवि ने लिखा है जो भी इन को भजता है वो बल घर में आके जो भी इन को भजता है वो बल घर में आके इस जीवन के संकट को वो बल जो भी इनको भजता है वो पल भर में आते हैं उस सील लगे संकट को वो पल में आते हैं।
रूप मेरा बाबा है। अगर जिसके जीवन में कुछ संकट हो, बाबा का दरबार लगा हुआ है, अपनी आत्मा से अगर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और उसके सारे संकट मिट जाएंगे। क्यों? संकट को मिटाने वाले बोले संकट को मिटाने वाले बलवान के लिए। अच्छा, किस किस को संकट मिटाना है? दोनों हाथ मुझे करेंगे। जिसको संसार मिटवाना है वो दोनों हाथ ऊंचे करेंगे, और जो बालाजी से प्रेम नहीं करते वो हाथ नीचे रखते भैया। इधर पीछे वाले और जो ऊंचे नहीं कर रहे उन्हें अपने पड़ोसियों के सामने क्या बात है। हाँ, जरा झूम के हुए कैसे? अरे संकट को मिटा लो भाले ये पहले हनुमान के लिए। अच्छा, किस किस ने चोला रखा है? क्या बात है। जिस जिसने बाबा के दरबार में चोला चोला को हाथ ऊंचे करेंगे। श्री राम के लिए